सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यानी 5 सितंबर से YouTube की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो उसके रिगार्डिंग यूके टेक की वेबसाइट पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, तो आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है यूके टेक की वेबसाइट जिस पे आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। सो इस पे अगर नीचे जाते हैं तो एक सेक्शन दिया गया है बी टेक फर्स्ट ईयर काउंसलिंग का। जैसे ही हम लोग इस पे जाएंगे तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो है वो फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। यानी सीट मैट्रिक्स में हमारे जितने भी कॉलेजेस परफॉर्म करने वाले हैं यानी आने वाले हैं यूट्यूब काउंसलिंग के अंदर, वो सारे दिए गए हैं और उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कितनी सीट्स हैं वो भी सब दिया गया है। तो फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कितने सारे कॉलेजेस हैं यूट्यूब में जो जो आपको भरने हैं और किस हिसाब से भरने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक बड़ी सी टेबल हमारे सामने आ गई है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ये सारे कॉलेजेस यूट्यूब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे कॉलेज दिखाया गया है, आप एक बार देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में पीडीएफ शो हो रही होगी, वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर यानी पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और इनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, तो ये देखिए ऑल इंडिया सीट की बात हुई है। देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक भी सीट नहीं है ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि ये पुराने वाला जो आपका नोटिस आया था उसमें भी ये लिखा गया था कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया की सीट्स नहीं होंगी। ठीक है, बात करें अदर स्टेट की, तो ये देखिए, ये तो अदर स्टेट के लिए हो गया ऑल इंडिया वाला, और ये है स्टेट सीट यानी उत्तराखंड के लिए। तो इसमें ओपन यानी जिन्हें सब लोग भर सकते हैं 16 सीटें हैं। फिजिकल हैंडीकैप, आर्म फोर्सेस, और ये फीमेल हो गया, और एक नहीं, ये फ्रीडम फाइटर है, जो FF देख रहे हैं यार, फ्रीडम फाइटर है, इसका भी सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपका है तो आप इस कोटे का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और W वुमेन के लिए होता है। वैसे ही SC में भी यार इतनी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं सारी ब्रांचेस की सीट्स दी गई हैं। और ये अदर्स में TFW यानी ट्यूशन फी वेवर भी एक कैटेगरी होती है जिनकी काफ़ी कम इनकम होती है, तो उसमें 3 सीट हैं। और कश्मीरी माइग्रेंट यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स वाली सीट होती है उसमें भी 2 सीटें हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऐसे ही सारी ब्रांचेस की यहाँ पे सीट्स दिखाई गई हैं। और जो कॉलेजेस हैं वो बहुत सारे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं और किन्हें कंसिडर करना है और किन्हें अवॉइड करना है। सो पहला यार कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसे डेफिनेटली नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप यूट्यूब काउंसलिंग कर रहे हैं तो नंबर 1 यही रहने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे जी लिखा है। अगला है APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर, तो यार एक नया कॉलेज है, तो इसको यार आप लोग थोड़ा सा ना अवॉइड करना, मतलब बाद में भरना। और इसमें सिर्फ कंप्यूटर ब्रांचेस हैं, जो कंप्यूटर हो गई या आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इन्हीं ब्रांच को लेना प्रेफर करना। ठीक है, बात करें द्वाराहाट की, तो यार ये भी अच्छा कॉलेज है, 3rd नंबर पे इसे हम रखते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो आप भर सकते हो स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगला है यार GB पंत पौड़ी यानी गुरदौरी वाला, जो GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी AIML और CS आप ज़रूर भरो। ठीक है, और बाकी ब्रांचेस भी यहाँ पे अच्छी मिलेंगी। कोर ब्रांचेस के लिए ये कॉलेज यानी कोर यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ये कॉलेज और पंतनगर है जिन्हें मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी यार इंस्टीट्यूट ऑफ गोपेश्वर हो गया, ये थोड़े छोटे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप कंप्यूटर साइंस लेना। THDC हो गया, ये भी नए कॉलेज है, वुमेन इंस्टीट्यूट देहरादून हो गया, तो यहाँ पे यार आप मैकेनिकल, सिविल इस टाइप की ब्रांचेस ना अवॉइड करना। ठीक है, लास्ट में भरना। आम्रपाली हो गया, तो ये प्राइवेट कॉलेज है हल्द्वानी में, यहाँ पे देखिए सिर्फ कंप्यूटर और मैकेनिकल ही है, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल अवॉइड करके कंप्यूटर भरना। बाकी भी यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये देखो ये जितने भी कॉलेजेस हैं ना, ये थोड़े नए कॉलेज हैं और थोड़े कम पॉपुलर कॉलेज हैं, तो यहाँ पे यार आप अवॉइड करना लेना, मतलब लास्ट में रखना, और CS रखना यार इनमें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कम फीस में अच्छा प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, तो ये बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि यहाँ से यार जो प्लेसमेंट्स हैं वो अच्छी खासी देखी गई हैं पुराने टाइम पे भी। और फीस की बात करें तो फीस भी यहाँ पे काफ़ी कम है, काफ़ी कम भी नहीं है, लेकिन जो और प्राइवेट कॉलेज आपसे 15-15, 20-20 लाख लेते हैं, वैसी फीस नहीं है यहाँ पे, तो फीस के मामले में भी ये थोड़ा अच्छा कॉलेज है। और आम्रपाली में भी आपकी ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन बिरला जो है यार इसको आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ ना आप YouTube से भी भर सकते हो, और वैसे भी होती हैं इनमें सीट, और आप डायरेक्टली जाके पता करो तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, कोर हो गया आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, तो यहाँ पे भी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस देना। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी ले सकते हो, लेकिन मैकेनिकल सिविल को अवॉइड करना, ये नहीं कह रहा हूँ लेना मत, लेकिन अवॉइड करना, लास्ट में बनना। ठीक है, DIET हो गया आपका, यहाँ पे भी कंप्यूटर देखिए 3 ही ब्रांचेस हैं, गुरुग्राम दास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और
टीओडी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मतलब जो ये वाली कॉलेज अभी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वो है यार जो एकदम लास्ट लास्ट में भर रहे हैं। ये मत करना कि यार मैं देहरादून में रहता हूँ, रुड़की में रहता हूँ तो इन्हें भर देता हूँ, पहले पंतनगर फिर गुड़दौड़ी और उसके बाद अपना द्वाराहाट, ये कॉलेजेस मेन है जिन्हें आपको रखना है। और जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं उनमें सीएस रखनी है। सो मेन मोटो यार इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोगों को बताना है कि इतने सारे जब कॉलेजेस होंगे तो चॉइस फिलिंग में काफ़ी डाउट आने वाला है आपका, तो चॉइस फिलिंग पे तो वीडियो बना देंगे यार। और तुरंत जल्दीबाजी मत करना फॉर्म भरने की, उसकी भी एक वीडियो ले आऊँगा और चॉइस फिलिंग पर भी वीडियो ले आऊँगा। सो कल तक यानी 5 सितंबर तक ये वीडियोज लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियोज ले आऊँगा मैं सारी, एक बार आप सीट्स देख सकते हो किस कॉलेज में कितनी सारी हैं और किस हिसाब से आप चुन सकते हो सीट। तो ये तो एक सीट मैट्रिक्स का इन्होंने रिलीज़ किया था। बाकी अगर हम बात करें तो ये देखो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, नोटिसेज हैं वो तो एक पुराना वाला ही है, और बाकी काउंसलिंग शेड्यूल है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल यार वही चीज़ है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है, सीट अलॉटमेंट 12 तक हो जाएगा और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, 2-3 दिन मिलेंगे जितने भी होते हैं, ठीक है। और 13 सितंबर से 17 सितंबर तक फिजिकली आपको रिपोर्टिंग करनी है, मतलब यानी कि कॉलेज जाके अपनी सीट कन्फर्म करानी है और फीस वीस जमा करनी है। तो यही था कुछ इस वीडियो के लिए जिसमें हमने बात करी सीट मैट्रिक्स की कि कौन कौन सी सीट्स हैं और कौन कौन सी आपको भरनी चाहिए। तो कल आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, या शायद आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे से काउंसलिंग भरिएगा, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है बहुत जल्द चैनल पे। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।